हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SBP एक्सप्लोर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आज आप लोगों के लिए मैं कोई टेक वीडियो नहीं लेके नहीं आया हूँ। मतलब आज का जो वीडियो ये टेक्निकल वीडियो नहीं रहेगा गाइज, ये वीडियो एक आधार कार्ड के ऊपर रहेगा गाइज। अगर आपको आधार कार्ड में कोई गलती हो गया है या फिर आपके आधार कार्ड में आपका नेम का कोई गलती हो गया है या फिर आपका बर्थ डे का कोई गलती हो गया है या फिर आपके आधार कार्ड में आपका एड्रेस का कोई गलती हो गया है, ठीक है, तो इस गलती को आप इस आधार कार्ड को आप अपने आप सुधार सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको ऑनलाइन से एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा एंड गाइस उस फॉर्म को आपको फिलअप करके मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे एड्रेस दे दूंगा, उस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। जैसे ही सेंड कर देंगे गाइस और आपका जो आधार कार्ड है उस मतलब वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका नेम का कोई गलती है या फिर आपका बर्थ डेट का कोई गलती है या फिर आपका कोई एड्रेस का गलती है, ठीक है, तो ये गलती आप सुधार सकते हैं अपने खुद के खुद, ठीक है, किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा गाइस। और गाइस ये जो मतलब प्रोसेस है, इस प्रोसेस के साथ आप अपने मोबाइल नंबर भी अपने आधार कार्ड के साथ मतलब लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है गाइस, मैं इस टाइप का वीडियो लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। तो गाइस आज का ये वीडियो टेक वीडियो नहीं है, ठीक है। तो चलिए गाइस, कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है मैं आगे वीडियो में आपको यही दिखा देता हूँ, ठीक है। और फॉर्म का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा एंड गाइस फॉर्म को फिलअप करके उसको किधर भेजना है उसका एड्रेस भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस इस टाइप का लिफाफे के अंदर उसको डाल के आपको यहाँ पे एड्रेस लिख के आपको आधार कार्ड के ऑफिस में भेज देना है, ठीक है। सो गाइस मेरे पास यहाँ पे आधार कार्ड का एनरोलमेंट करेक्शन एंड अपडेट वाला फॉर्म है। आप इस फॉर्म को यूज़ करके आप आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो फॉर्म है इसमें मैं अपना आधार कार्ड को एड्रेस अपडेट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे आप इंडियन रेसिडेंशियल वाले हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आधार कार्ड का जो नंबर है उसको यहाँ पे डाल देना है। एंड गाइस 2.1 वाले सेक्शन पे आपको ये डालना है गाइस, आपको जो अपडेट करना है आपके अगर मोबाइल नंबर को अपडेट करना है तो मोबाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने एड्रेस पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एड्रेस चेंज करना है, ठीक है। उसके साथ साथ ईमेल एड्रेस को भी अपडेट करना है। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम मैंने डाल दिया, ठीक है। और इसके देखिए यहाँ पे मैं ये डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे डाल दिया हूँ और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है तो इसलिए मैं डिक्लेयर डाल दिया हूँ। अगर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसके साथ साथ आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एड्रेस ऑफ केयर ऑफ यहाँ पे मैंने जिसका केयर ऑफ है उसको डाल दिया हूँ, नंबर नेम डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाउस नंबर डालना पड़ेगा। सो गाइज अभी फ़िलहाल के लिए हाउस नंबर मेरे को मालूम नहीं पड़ा इसलिए मैंने इसको नहीं डाला हूँ। इसलिए लैंडमार्क, जैसे कि आप एक फ्लिपकार्ट में कोई प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं ना, उस टाइम आप जैसे यहाँ पे एड्रेस डालते हैं तो उसी टाइप से जिस भी मतलब मैं अपना आधार कार्ड का जो एड्रेस है उसको अपडेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी जो एड्रेस पे है उस एड्रेस को चेंज करके मैं दूसरा एड्रेस अपडेट करने के लिए ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सो गाइज इसीलिए मैं इसको फॉर्म ऐसे ही फिलअप किया हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं अपना लैंडमार्क डाल दिया हूँ, इसके साथ साथ यहाँ पे अपने विलेज डाल दिया हूँ और उसके साथ साथ मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे डाल दिया हूँ और ईमेल एड्रेस अपडेट करना था इसलिए मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी डाल दिया हूँ। अगर आप अपने मोबाइल आधार कार्ड में अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाह रहे हैं, हालांकि मतलब अपने आधार कार्ड से अगर अपने मोबाइल नंबर को लिंकिंग कराना है तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, उसके साथ साथ यहाँ पर पिन कोड डालना है, अपने स्टेट को यहाँ पर लिखना है, उसके साथ साथ अपने पोस्ट ऑफिस को यहाँ पर लिखना है और एरिया जो है इसको मतलब आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं अपने एरिया को भी यहाँ पे डालना है और अपने स्टेट मतलब स्ट्रीट रोड, जैसे कि आपके कौन से रोड पे आपके घर आता है तो उस रोड को भी आप यहाँ पे इसको डालना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए दूसरे वाले ऑप्शन पर क्या है, वेरीफाई टाइप, मतलब आप जो ये देखिए गाइस ये एक करेक्शन वाला फॉर्म है, ठीक है। करेक्शन मतलब मतलब आपका आधार कार्ड में कोई अगर गलती हो गया है उसको सुधारना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप करके भेजेंगे तो वो सुधार हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो जो गलती हुआ है वो ठीक हो जाएगा
और दूसरे के यूज़ होता है, जैसे कि आप अपडेट करना चाहते हैं कुछ, मतलब कुछ नया चीज़ आप आधार कार्ड में जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए भी आप ये फॉर्म की यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अपना एड्रेस चेंज किया हूँ अभी फ़िलहाल, तो मैं एड्रेस को अपडेट कर रहा हूँ, इसलिए एड्रेस वाला अपडेट किया हूँ। मतलब एड्रेस देखिए, मैं यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक किया हूँ और यहाँ पे एड्रेस को मैं अपडेट कर रहा हूँ। सो वेरीफाई करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इंट्रोड्यूसर वेज और हेड ऑफ फैमिली, मतलब जिस भी मतलब एड्रेस आप अपडेट कर रहे हैं वहाँ पे अगर किसी के पास आप एड्रेस, लेकिन ये दोनों कोई काम का नहीं है गाइस। अगर आपको एड्रेस अपडेट करना है तो जिस भी एड्रेस पे आपको अपडेट करना है उधर का कोई डॉक्यूमेंट्स आपको रहना मांगता है, तभी जाके ये अपडेट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए मैं अपना डॉक्यूमेंट्स भेज दे दूँगा। और देखिए अभी यहाँ पे एड्रेस का जो प्रूफ है, प्रूफ के हिसाब से मैं यहाँ पे पैन कार्ड दे रहा हूँ और रेशन कार्ड दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे और एक पन्नी आता है गाइस, जो दो पन्नी आता है, मतलब दो पेपर आता है। ठीक है, दूसरे पेपर में भी आपको लिखा हुआ है कुछ चीज़, उसको अब अगर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा किसके लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी मैं दिखाऊँगा वीडियो को आगे। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर नहीं करना है गाइज, यहाँ पे आपको फुल नेम लिख देना है और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, तो गाइज़ ये रहा फॉर्म। ये फॉर्म में आपको जो भी तीन चीज़ कर सकते हैं, आप नया आधार एनरोलमेंट कर सकते हैं, आधार को सुधार कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं और आधार को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ कर सकते हैं, जो भी आपको करना है उस हिसाब से आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, फिलअप करना है उस हिसाब से। तो यहाँ पर मैं एड्रेस अपडेट करने के लिए फ़िलअप किया हूँ, तो बस एड्रेस पर क्लिक किया हूँ, मैं अपना एड्रेस यहाँ पर डाल दिया हूँ जो एड्रेस मेरे को अपडेट करना है, और उसके हिसाब से मैं डॉक्यूमेंट्स में क्लिक किया हूँ और वो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी भेजूँगा। ठीक है, तो गाइस और एक पेपर आपको दिखाता हूँ, उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइस ये रहा दूसरा और एक फॉर्म। यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर नेम या फिर फ़ोटो आपको अपडेट कराना है या फिर सुधार करना है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देना है। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का बहुत सारे लिस्ट है। यहाँ पे अगर आपको नेम या फ़ोटो आपको अपडेट कराना है या फिर सुधराना है तो यहाँ पे उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हिसाब से आपको उस फॉर्म के साथ यहाँ से कुछ भी एक डॉक्यूमेंट्स को आपको भेजना है। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे देखिए नेम या फिर एड्रेस आपको अगर चेंज कराना है या फिर सुधराना है तो वहाँ पर ये देखिए डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट, ये लिस्ट के अंदर कुछ भी एक डॉक्यूमेंट्स आपको उस फॉर्म के साथ आपको भेजना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लास्ट में इसकी ये भी और चीज़ है, लेकिन ये मुझे नहीं पता। अच्छा, ये आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो आप किसी रिलेशनशिप, किसी आदमी का या फिर अपने फैमिली का किसी का भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उस वाले फॉर्म पे आपको क्लिक करना है और उसके हिसाब से जिसका आप रिलेशनशिप दिखा रहे हैं उसका यहाँ पे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपको आपके फॉर्म के साथ भेजना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर आपको आपका अगर बर्थडे अगर गलत आ गया है, अगर उसको सही करना है तो उसके लिए वहाँ पर फॉर्म पर आपको बर्थडे को लिख देना है और उसके सपोर्टिंग हिसाब से आपको यहीं सारे में एक डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है। ठीक है, ऐसे करके आपको भेजना है। ठीक है, ऐसे करके आप भेज देंगे तो उसके बाद 10 या 15 दिन के बाद आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेट हो जाएगा ऑनलाइन में। ठीक है, तो आप ऑनलाइन से डाउनलोड कर पाएंगे। अगर 15 दिन में नहीं होता है तो कुछ दिन वेट कीजिए, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जाता है ना, तो ये पहुँचने में मतलब टाइम लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन गाइज ये काम हो जाता है। तो आपको कहाँ पे भेजना है ये एड्रेस मैं अपना डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन पे आप एड्रेस को ले लीजिए और लिफाफे पे ठीक ठाक डाल के आप इसको डाल दीजिएगा। एंड गाइस इसके साथ साथ और जो डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे, हर डॉक्यूमेंट्स अपना सिग्नेचर और डेट लिख के सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। ठीक है, तो ऐसे करके आप आधार कार्ड को अपडेट या फिर करेक्शन या फिर एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मैं इस टाइप का टेक जुगाड़ लेके आता हूँ आप लोगों के लिए और लेके आता रहूँगा।